आज आपके लिए लाए हैं इम्पॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज हम बात करेंगे कार्डियक रिहैबिलिटेशन के चार पिलर्स के बारे में। बेसिकली कोई बहुत इंटरनेशनली डॉक्यूमेंटेड कोई बड़ी हाइपोथेसिस नहीं है, ये मेरा अपना सोच है, ये मेरा अपना स्ट्रैटेजी है या मेरा अपना व्यू पॉइंट है जो मैं अपने पेशेंट्स को समझाता हूँ। और शायद मुझे लगता है कि अगर इसको फॉलो करेंगे तो पेशेंट्स के लिए अच्छा रहेगा। मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स के यूट्यूब पर काफ़ी लोगों के सवाल आते हैं, काफ़ी लोगों के लोग बातें कहते हैं कि हार्ट फेलियर उनका हुआ है या हार्ट अटैक हुआ है, अब क्या क्या चीज़ें उनको करनी चाहिए, क्या उनके लिए बेटर है। और ज़्यादातर लोग अपनी प्रिस्क्रिप्शंस भी मुझे फॉरवर्ड करते हैं, उनकी दवाइयाँ जो चल रही हैं उस बारे में बात करते हैं, क्या लाइफस्टाइल वो फॉलो कर रहे हैं उस बारे में बात करते हैं। मुझे काफ़ी केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि रिहैबिलिटेशन पर फोकस बहुत कम है, बहुत कम कार्डियोलॉजिस्ट ही इस चीज़ पर फोकस करते हैं, बहुत कम डॉक्टर्स ही इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। और पेशेंट्स को ज़्यादातर कैसे रिहैबिलिटेशन का फॉलो करना है, कैसे उसको उससे को करने से उनको पेशेंट्स को क्या बेनिफिट मिलेगा और कौन सी चीज़ पर कितना फोकस करना है, इस बारे में लोगों के बारे में का पास कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं होता और लोग उसके वजह से काफ़ी उनके पेशेंट्स की कंडीशन बिगड़ती है। तो आज हम बात करेंगे रिहैबिलिटेशन के चार बेसिक पिलर्स पर, जो कि मेरा व्यू पॉइंट है कि इन चारों में से कोई भी पिलर अगर कमज़ोर होगा तो आपका रिहैबिलिटेशन या पेशेंट की कंडीशन सुधारने का जो प्रोसेस है, पेशेंट की लाइफस्टाइल या उसका हार्ट अटैक के डेथ वाले फेज में से बाहर निकलने का जो प्रोसेस है वो इम्प्रोवाइज नहीं होगा जब तक इनमें से चारों पिलर पर काम नहीं किया जाएगा। आते आज के टॉपिक पर। हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक के बाद जब भी पेशेंट एडमिट होता है तो उसके बाद एक रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस चालू होता है, यानी उसको अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल पे लाना और दोबारा उसको एडमिशन की ज़रूरत ना पड़े, दोबारा उसको हार्ट अटैक ना आए, दोबारा उसको उसकी कंडीशन ना बिगड़े, इसको इम्प्रोवाइजेशन करने के लिए या इसमें उसकी लाइफस्टाइल को इम्प्रोवाइज करने के लिए, उसको रिस्क से बाहर निकालने के लिए इन सब चीज़ों पर काम करना अति आवश्यक है, नहीं तो पेशेंट की कंडीशन बिगड़ने का चांस है। ये चारों पिलर एक तरह से मान के चलिए कि हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर की रिहैबिलिटेशन के चार स्तंभ हैं, जिनमें से अगर एक स्तंभ भी अगर कमज़ोर पड़ता है तो बिल्डिंग गिर जाएगी या इमारत ढह जाएगी और पेशेंट की कंडीशन बिगड़ जाएगी। तो इन चारों चीज़ों पर वर्क करना ज़रूरी है। कई लोगों का मैंने ऐसा देखा है या महसूस किया है कि वो एक आध पिलर पर वर्क करते हैं, या तो सिर्फ दवा ले ली या सिर्फ रिहैबिलिटेशन पर वर्क कर लिया या सिर्फ एक्सरसाइज पर वर्क कर लिया, बाकी चीज़ों पर वो फोकस नहीं करते हैं और इसकी वजह से उनकी कंडीशन बिगड़ती है। तो इसलिए इन चारों चीज़ों पर फोकस करना ज़रूरी है। और बियॉन्ड दैट एडिशनल भी कुछ एक पॉइंट्स है जो भी इन चारों पिलर्स के बियॉन्ड है, उस बारे पर हम बात करेंगे। ये सारे चीज़ों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो पेशेंट का ओवरऑल दोबारा प्रॉब्लम आने का चांस बेटर हो जाएगा। और दूसरा ये है कि उनका हार्ट फेलियर इतना वर्सनिंग नहीं होगा, हार्ट का पंप फंक्शन भी इम्प्रूव होगा, सारी चीज़ें बेटर होंगी। तो अब बात करेंगे इन चारों पिलर्स के बारे में। सबसे पहला पिलर है और सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है मेडिसिंस। मेडिसिंस काफ़ी पेशेंट्स को हम ज़बरदस्ती फोर्स करके उनको कंटिन्यू लेवाते रहते हैं कि उनको लेते रहना है मेडिसिंस, इस पर ध्यान नहीं देंगे तो प्रॉब्लम होगी। लोग ऑब्वियसली देखिए, मैं भी ये बात को समझता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के लिए लंबे समय तक मेडिसिंस को कंटिन्यूसली लेना इजी नहीं है। कोविड टाइम्स में हमने भी देखा कि 15-20 दिन एक महीने का भी अगर मेडिसिन का कोर्स होता था तो व्यक्ति परेशान हो जाता है यार कि इतने दिन तक मेडिसिन कंटिन्यू लेना पड़ रहा है। लेकिन हार्ट फेलियर में या हार्ट अटैक का पेशेंट को एटलीस्ट पहले 1-2 साल जब वो हार्ट फेलियर का थेरेपी स्टार्ट होती है तब बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन और लंबे समय तक ज़्यादा मेडिसिन देनी पड़ती है, थोड़ी कॉस्टली भी होती है। हार्ट अटैक से 1 साल जब निकल जाता है पेशेंट का हार्ट का पंप फंक्शन इंप्रूव हो जाता है, स्टेंट सेटल हो जाता है, स्टेंट के ऊपर एंडोथेलियम की लेयर जम जाती है, स्टेंट में क्लॉटिंग का चांस कम हो जाता है, बाकी सारे पैरामीटर्स कोलेस्ट्रॉल बीपी शुगर सब कंट्रोल में आ जाते हैं, तो फिर ओवरऑल मेडिसिन की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो जाती है लेकिन बंद नहीं होती है। तो आपको मेडिसिन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप मेडिसिन पर ध्यान नहीं देंगे, मेडिसिन पर फोकस नहीं करेंगे और मेडिसिन को बंद करेंगे, मिस करेंगे या उसको अननेसेसरी कम करने की कोशिश करेंगे, या और सो एक और इशू है कि लोग जेनरिक मेडिसिन लेने की कोशिश करते हैं जिसका कई बार क्वालिटी का गारंटी नहीं होता है, क्वालिटी रिलेटेड भी इश्यूज होते हैं। तो इस तरह की कोई भी अगर आप गलती करते हैं तो मेडिसिन बॉडी में प्रॉपर असर नहीं करेगा और हार्ट फेलियर में पंप फंक्शन इंप्रूवमेंट उतना नहीं होगा। ये सारी ही मेडिसिन जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को हम देते हैं, हार्ट पंप फंक्शन को सुधारती है, मृत्यु दर को कम करती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका ध्यान रखने का ज़रूरत है। कई बार पेशेंट्स की गलती नहीं होती, डॉक्टर्स की भी गलती होती है। डॉक्टर्स का ये कई बार कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, गाइडलाइन बेस्ड प्रैक्टिस कई लोग नहीं करते हैं। हार्ट फेलियर के लिए जो 4-5 मेडिसिन के लिए हमने पहले भी अपने वीडियोस में बात की है कि जो वीडियो जो दवाइयाँ ज़रूरी है हार्ट फेलियर का पंप फंक्शन सुधारने के लिए, वो ज़्यादातर लोगों के प्रेस्क्रिप्शन में नहीं मिलती है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा पेशेंट्स मेरे पास जो मैसेज करते हैं या इधर उधर से डिटेल्स भेजते हैं, मैंने ज़्यादातर शायद ही किसी पेशेंट के प्रेस्क्रिप्शन में ये सारी मेडिसिन आज तक देखी है, नहीं होता। ये डॉक्टर्स भी मिस कर जाते हैं,
सेशंस भी मिस कर जाते हैं, पेशेंट्स को कॉन्सेप्ट भी नहीं पता रहता। पेशेंट्स की ऑब्वियसली गलती नहीं है, गलती तो डॉक्टर्स की है, लेकिन फिर भी आपके पार्ट पर जो आप कर सकते हो कि आपको दवाइयाँ टाइम पर लेते रहना है, दवाइयों का ध्यान रखना है और उसको प्रॉपरली फॉलो करना है। अगर ये पिलर कमज़ोर हुआ तो आपका रिहैबिलिटेशन कभी पॉसिबल नहीं है, पंप फंक्शन कभी नहीं सुधरेगा, मृत्यु दर कम नहीं होगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है इस बिल्डिंग का। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर है एक्सरसाइज एंड डाइट। एक्सरसाइज पर अगर आप फोकस नहीं करेंगे और डेली बेसिस पे एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप कितनी भी मेडिसिन ले लें आपका कंडीशन ओवरऑल इम्प्रूव नहीं होगा। एक्सरसाइज का बेनिफिट को कई लोग इग्नोर करते हैं। एक्सरसाइज में आप वॉकिंग करना है सबसे अच्छी एक्सरसाइज, वो ये सुबह शाम आधा घंटा स्पीड में चलने को जाना है। चलना धीरे से नहीं है, धीरे धीरे चलेंगे तो आपका सांस नहीं फूलेगी, स्टैमिना नहीं बढ़ेगा। मेन एक्सरसाइज का पर्पस टाइम पास करना नहीं है, लेजर नहीं है। एक्सरसाइज का पर्पस यह है कि आपका स्टैमिना बढ़ना चाहिए, आपकी ताकत बढ़नी चाहिए। जितना ज़्यादा सांस फूलेगी धीरे धीरे करके आपका स्टैमिना बिल्डअप होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको अगर ओवर हार्ट फेलियर और हार्ट बिल्कुल फेलियर वाली हालत में तो भी आप अपने आप को ओवर एक्सर्ट करिए, ऑब्वियसली उससे थोड़ा रिस्क बढ़ जाएगा। लेकिन एक बार आप अगर सेटल फेज में आ गए उसके बाद अगर आपने अपने आप को एक्सरसाइज नहीं किया और स्टैमिना बढ़ाने के लिए कोशिश नहीं की तो ओवरऑल आपका कंडीशन बिगड़ेगा। और काफ़ी स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है कि सिर्फ कोलैटरल चैनल डेवलप होने के अलावा भी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देता है। सारे सिस्टम्स को इम्प्रूवाइज करता है, ओवरऑल स्टैमिना इम्प्रूव करता है, सांस की तकलीफ कम हो जाती है, व्यक्ति को दवाइयों की रिक्वायरमेंट्स भी कम हो जाती है, दोबारा हार्ट अटैक आने का या दोबारा प्रॉब्लम्स आने का चांस भी काफ़ी तक कम हो जाता है। तो इसलिए ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है। साथ में हम डाइट को भी कंसिडर करेंगे, डाइट भी एक इंपॉर्टेंट पिलर है। डाइट पर भी काफ़ी लोग ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपने डाइट पर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया और तेल घी ये सब चीज़ों को आप खाते रहे, नमक एक्स्ट्रा खाते रहे, नमक के केस में ऑब्वियसली ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जिनका बीपी कम है वो नमक ज़्यादा ले सकते हैं, नॉर्मल ले सकते हैं, जिनका बीपी ज़्यादा है उनको ही नमक का रिस्ट्रिक्शन करना है। पर अगर आपने डाइट पर ध्यान नहीं दिया तो आप कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी एक्सरसाइज कर ले, अगर आपने वज़न बढ़ाने वाली चीज़ों पर फोकस नहीं किया, हाई कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खाते रहे, ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन ऑयली फूड्स खाते रहे, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको दोबारा ब्लॉकेज होने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जो तेल वाला खाएगा उसको ही हार्ट अटैक आएगा और जो व्यक्ति तेल वाला नहीं खाएगा उसको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको रेगुलर बेसिस पे ध्यान रखने का ज़रूरत है। अगर आप इसको ध्यान नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म तकलीफ आने का अंदेशा बढ़ जाएगा। डाइट में बेसिकली तेल घी नमक शुगर नॉनवेज कम रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें ये चीज़ों को ध्यान रखिए। क्रैश डाइट्स या बॉयल्ड डाइट्स का कोई फ़ायदा नहीं है। ये चीज़ों का आदमी थोड़े दिन शौक शौक में कर पाता है, उसके बाद कभी नहीं कर पाता। डाइट का फायदा आपको तभी होगा जब आप लंबे समय तक इसको फॉलो कर पाएँ। 10 दिन का क्रैश डाइट ले लिया उसके बाद सब तेल घी खाना चालू कर दिया तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आपको फ़ायदा चाहिए डाइट का तो आपको लंबे समय तक उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तेल घी नमक शुगर नॉनवेज जो भी चीज़ आप प्रिपेयर करें उसमें कम रखिए। खाना वही खाइए जो आप रेगुलर बेसिस पर खाते हैं, उसमें जहाँ जहाँ आपको कट डाउन कर सकते हैं तेल पे, घी पे, नमक पे, शुगर पे, नॉनवेज पे, वहाँ उनको पर कट डाउन करिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप क्रैश डाइट एक महीने का बॉयल डाइट ले लिया और उसी को खाते रहे तो आपका सारा कंडीशन अच्छा हो जाएगा और स्टेंट हमेशा पेटेंट रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डाइटरी रेस्ट्रिक्शन को फॉलो अगर करना है, उससे एक्चुअल में फ़ायदा चाहिए तो लंबे समय तक इसको फॉलो करना ज़रूरी है, नहीं तो इससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पिलर है एडिक्शन छोड़ना। काफ़ी पेशेंट्स क्या होता है हार्ट अटैक के बाद तुरंत एक बार तो डर मन में बैठ जाता है तो थोड़े दिन के लिए लोग अपना व्यसन बंद कर देते हैं, फिर धीरे धीरे एक एक पैग से चालू होता है, अल्कोहल चालू हो जाता है, एक एक कश सिगरेट का लेना चालू करते हैं और फिर दिन भर में एक, दिन भर में दो, 10, 15, 20 चालू हो जाती है। और मान के चलिए कि जो दवाइयाँ हम आपको हार्ट फेलियर में पंप फंक्शन इंप्रूवमेंट के लिए दे रहे हैं या खून पतला करने के लिए दे रहे हैं वो ज़्यादातर दवाइयाँ असर नहीं करेंगी या अच्छा इफेक्ट नहीं करेंगी अगर आप व्यसन को कंट्रोल नहीं करते हैं। तो व्यसन कंट्रोल करना को काफ़ी लोग इग्नोर करते हैं और कार्डियोलॉजिस्ट भी ज़्यादातर इस पर फोकस नहीं करते हैं, सिर्फ एक सेंटेंस पूछ लेते हैं, हाँ कोई व्यसन मत कर रहे हैं, बस इतना बोल के छोड़ देते हैं। आपको इस पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज अ कार्डियोलॉजिस्ट भी और एज अ रिहैबिलिटेशन प्रैक्टिशनर या एज अ जनरल प्रैक्टिशनर, जो भी हार्ट पेशेंट्स को फॉलोअप कर रहा है, फिजिशियन भी फॉलोअप कर रहे हैं, तो उनको एडिक्शन को छोड़ रहा है कि नहीं पेशेंट उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और नहीं छोड़ रहा है तो उसको टिप्स देने की ज़रूरत है कि वो व्यसन को छोड़े। डेफिनेटली अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो आपके लिए मेरे वीडियो पर ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ अवेलेबल है स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, टोबैको सबसे रिलेटेड और उनको छोड़ने के टिप्स रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ अवेलेबल है जो आप देख सकते हैं। पर आपके ओ डॉक्टर को भी और एज अ पेशेंट आपको भी व्यसन को छोड़ने पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और रादर ओवरलुकिंग या जिसको लोग ध्यान नहीं देते वैसा चीज़ है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे टाइम बीतते जाते हैं लोगों की दवाइयाँ बंद होते जाती है, व्यसन बढ़ते जाते हैं, एक्सरसाइज बंद हो जाती है, और ये सारे पिलर
धीरे धीरे करके कमज़ोर पड़ जाते हैं और एक तरह से इमारत ढह जाती है। रिहैबिलिटेशन की इमारत यानी हार्ट को वापस से नॉर्मल लाइफ पर लाने को और हार्ट का पंप फंक्शन जो बिगड़ गया उसको सुधारने को, अगर ये सब पिलर्स पे आपने फोकस नहीं किया तो डेफिनेटली आपको बार बार तकलीफ आएगी। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको काफ़ी लोग भूल जाते हैं, वो है फॉलोअप्स। फॉलोअप्स भी इंपॉर्टेंट है, पेशेंट को तकलीफ नहीं है तो भी फॉलोअप कर रहे हैं। इनिशियल फॉलोअप ज़्यादातर हम लोगों को 10 दिन में बोलते हैं, फिर 1 महीना में, 3 महीने में, या बीच में भी अगर कोई तकलीफ हो तो आते रहना है। उसके बाद भी कार्डियोलॉजिस्ट को एटलीस्ट साल में एक बार बताते रहे तो अच्छा है, क्योंकि काफ़ी पेशेंट में हमने देखा है कि जहाँ वो 3-4 साल 5 साल हो जाते हैं तो पेशेंट आना बंद कर देते हैं आपके पास, और उसके बाद फिर सडनली वो आपके पास तब आते हैं 5 या 10 साल के बाद जब सडन हार्ट अटैक हो जाता है, और उस समय पेशेंट कई बार इतनी बुरी हालत में पहुंचता है कि हम उसको कुछ नहीं बचा पाते हैं। वही पेशेंट अगर हमारे पास उस कंडीशन में हार्ट अटैक में आने से 2-4 महीना पहले आ जाए या थोड़े दिन पहले आ जाए और उनका टेस्ट करके या TMT करके हम पकड़ लें बीमारी को और जल्दी ट्रीट कर लें तो काफ़ी पेशेंट्स को बचाया जा सकता है। तो अगर आपको हार्ट फेलियर का इम्प्रूवाइजेशन चाहिए और अगर आपको ओवरऑल कंडीशन का इम्प्रूवाइजेशन चाहिए, आपको दोबारा हार्ट अटैक नहीं चाहिए, तो आपको फॉलोअप भी रखना ज़रूरी है। आप ये मत करिए कि साहब दूर पड़ता है और ये पड़ता है और मेरा टाइम वेस्ट होता है, इसके चक्कर में वो चीज़ें जो रीइन्फोर्स होनी चाहिए बार बार आपको डॉक्टर बताता रहेगा कि ये ऐसा करना है, ये करना है, तो डेफिनेटली आपका ओवरऑल कंडीशन इम्प्रूवाइज होगा। कई लोग ये पता नहीं, आई डोंट नो कितना सही है कितना गलत है, लेकिन काफ़ी पेशेंट्स को फॉलोअप के टाइम वो यूजली फैमिली अफेयर्स और ये सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं डॉक्टर्स के साथ। करना चाहिए, अगर आपको साइकोलॉजिकल कोई इश्यूज है तो डेफिनेटली करना चाहिए, लेकिन आपके फॉलोअप का जो भी आप विजिट डॉक्टर के पास कर रहे हैं उस टाइम को आपको यूटिलाइज करना चाहिए चीज़ों को और कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए कि क्या हम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लोगों का ऐसा कॉन्सेप्ट रहता है कि साहब डॉक्टर ने जो कर दिया है वो ठीक, डॉक्टर ने जो दवा दे दी वो ठीक, वो उनका प्रॉब्लम है, हमें तो जो बोल दिया वो करना है बस, हमें कुछ समझने का या ज्ञान बढ़ाने का ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारे पेशेंट हार्ट अटैक होने के बाद भी उनको बेसिकली नहीं पता होता कि हार्ट अटैक क्या है, हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट चल रहा है, हार्ट अटैक की दवा चल रही है, फिर भी उनको दवाओं के नाम भी नहीं पता रहते, दवा क्या चल रही है ये भी नहीं पता है, किस चीज़ को कवर कर रही है दवा ये भी नहीं पता रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक ये चीज़ है कि आपको रेगुलर फॉलोअप करना है, और फॉलोअप के दौरान आपको अपने आप को एजुकेट करना है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको बीमारी के बारे में पूरी समझ होनी चाहिए तभी आप उसको प्रिवेंट कर पाओगे। जब तक आपको बीमारी की समझ नहीं है तब तक आप उसको कैसे प्रिवेंट करोगे? जब तक आपको बीमारी नहीं पता कि हार्ट अटैक किन कारणों से होती है, क्या उसके रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या चीज़ों को कंट्रोल करने से हार्ट अटैक कम होगा, तब तक आप उसको कैसे कंट्रोल करोगे? तो आपको हार्ट अटैक से अगर बचना है तो डेफिनेटली आपको रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना है और उसके लिए अपने आप को एजुकेट करना है। तो फॉलोअप करना और अपने आप को एजुकेट करना ये एक इंपॉर्टेंट पिलर है जो कि हमारे हार्ट फेलियर रिहैबिलिटेशन का मैं कहूँगा चौथा पिलर है, इसको आपको फॉलो करना है। अगर इसमें आप कोई भी चीज़ में कमज़ोर पड़ जाते हैं तो आपका इमारत ढह जाएगी, और सडनली या आप जब कंडीशन डिटोरिएट होगी उसके बाद जब डॉक्टर के पास आएंगे तो डॉक्टर के पास भी उस इमारत को फिर से खड़ा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक बार अगर इमारत गिर गई तो उसको दोबारा से खड़ा करना, दोबारा से उसको फिर से उसी लेवल पर पहुंचाना या पहले जैसी बुलंद इमारत को खड़ा करना बहुत मुश्किल होता है, कई बार पॉसिबल भी नहीं होता, इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस चीज़ों पर फोकस करना है। ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो लॉन्ग टर्म्स प्रॉब्लम आने का चांस कंपेरेटिवली कम हो जाएगा। तो बेसिकली जिन पिलर्स की आज हमने बात की उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिसिन। मेडिसिन आपको रेगुलर बेसिस पे लेना है, क्या मेडिसिन चल रही है, किस चीज़ का पर्पस सर्व कर रही है मेडिसिन, उसके साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहे, किस डोज पे चल रही है, सब कुछ आपको पता भी होना चाहिए और सब कुछ अप्रोप्रिएटली चलता भी रहना चाहिए। इसमें आपका भी रोल है और आपके डॉक्टर्स का भी रोल है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है एक्सरसाइज एंड डाइट। एक्सरसाइज और डाइट पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप इस पर ध्यान नहीं देते हो तो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आने का चांस बढ़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है एडिक्शन या व्यसन को छोड़ना। व्यसन अगर आपको फॉलो करोगे और बार बार अगर स्मोकिंग ड्रिंकिंग टोबैको और ये सब ले लेके आप बार बार आओगे और बढ़ाते जाओगे उसको, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सब दवाई भी बंद हो जाती है और तकलीफ आने का चांस बढ़ जाता है। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉलोअप करना और अपने आप को एजुकेट करना। अगर आप फॉलोअप नहीं कर रहे हो, डॉक्टर के पास जा नहीं रहे हो और अपने आप को एजुकेट नहीं कर रहे हो, बीमारी को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो आप कभी खुद को रिहैबिलिटेट नहीं कर पाओगे और ओवरऑल कंडीशन बिगड़ती ही जाएगी। मेरे इस टॉपिक का बेसिक पर्पस ये था कि कार्डियक रिहैबिलिटेशन के बारे में हमने बात की कि ये क्या है बेसिकली और किन स्तंभों पर खड़ा है, उस बारे में बात की। लोग कई बार क्या है, या तो सिर्फ मेडिसिन पर फोकस करते हैं या सिर्फ एक्सरसाइज पर फोकस करते हैं या सिर्फ डाइट पर करते हैं, बाकी सब चीज़ों को भूल जाते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे जब कंडीशन बिगड़ती है वो भागे भागे डॉक्टर के पास आते हैं कि कैसे भी जान बचाओ, तो वो डॉक्टर के लिए भी काफी मुश्किल होता है। इसलिए अगर आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे, अपने आप को बेटर प्रिपेयर करेंगे, तो आप अपने आप को बेटर रिहैबिलिटेट कर सकेंगे, हार्ट फेलियर में जान जाने का चांस कई गुना कम हो जाएगा।
मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए इजीली अवेलेबल कराते हैं, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़े, आपको फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और डॉक्टर्स के पीछे नहीं भागना पड़े। डॉक्टर्स अपने ओपीडी में टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं, और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली भी इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत भी होती है, जिसको फॉलो करने से कई बार फायदा होने के बदले नुकसान भी हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए इजीली अवेलेबल हो, ताकि आप उसको फॉलो कर सके, अपने पेशेंट की कंडीशन सुधार सके, अपनी लाइफ को बेटर बना सके और पेशेंट्स की बीमारी को समझ सके। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कोई ये वीडियो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज़फुल है, तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। और आपको लगता है कि कोई और टॉपिक्स पर हमें बात करनी चाहिए, या फर्दर हमें इस टॉपिक के बारे में आपकी कोई क्वेरीज है, तो हमें लिख के बताइए, ताकि फ्यूचर में हम उन टॉपिक्स को डिस्कस कर सकें और उन पर वीडियो कर सकें। तो अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मेरे टॉपिक को पूरा देखा और समझा, और होपफुली कार्डियक रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड आपको कुछ मन में बातें क्लियर हुई होंगी और बीमारी को समझने में मदद मिली होगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती रहे और हम अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहें।